कोगी जोहार इंदो मिथल कुमार मिथल सर YouTube चैनल रे सनम को सगुंदरा इंदो नवा नवा स्पेशल वीडियो रे। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा हमारे संथाल साहित्य के सबसे महान उल्लेखनीय लेखक जिसे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से दिलिट के उपाधि से सम्मान से सम्मानित किया गया, ऐसे महान लेखक माझी रामदास टुडू, जिनको माझी रामदास टुडू रेस्का के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे महान लेखक जो संथाल साहित्य के सबसे प्रारंभिक सबसे पहले लेखक में से एक थे, जिन्होंने अपने जीवन को आदिवासी के दैनिक जीवन और परंपरा, उनकी अनुष्ठान, उनके धर्म, उनके रीति रिजा रिवाज, चले आ रहे परंपरा को पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने की सबसे बड़ी योगदान दिया और काम किया। आप में से कई ऐसे भाई बंधु हैं जो अपने रीति रिवाज धर्म के प्रति सतर्क हैं, लेकिन कई ऐसे धर्म भाई बंधु हमारे संथाल आदिवासी परिवार में हैं जो धीरे धीरे अपने धर्म को भुलाते जा रहे हैं और किसी और धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। मैं वैसे भाइयों को ऐसे महान व्यक्तित्व के माध्यम से वो सीख देना चाहता हूं कि अपना कर्म और अपना धर्म सर्वोपरि होता है, सबसे ऊपर होता है, उसे भूलना मतलब खुद को भूलने के बराबर होता है। तो माझी रामदास टुडू, जिनका जन्म करवक्ता विलेज खाड़शिला के ईस्ट सिंहभूम झारखंड में सन 1854 ईस्वी में हुआ था, जिनके पिता सीताराम टुडू और माताजी मजादरी टुडू थे। एक साधारण से संथाल परिवार में इनका जन्म हुआ था, एक साधारण से संथाल लड़का जो पढ़ने और शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी रीति रिवाज को लिए हमेशा लड़ता रहा और हमेशा उसे पुस्तकों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का सबसे बड़ा योगदान और सबसे बड़ा काम किया। माझी रामदास टुडू, जिसने अपने दैनिक जीवन, आदिवासियों के दैनिक जीवन, आदिवासियों की स्थिति, आदिवासियों में चल रहे धर्म, हर धर्म की अपनी एक धर्म होती है, एक संस्कृति होती है, परंपरा होता है, एक रीति होता है, एक रिवाज होता है, उस रिवाज को कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ती है, वो सीख माझी रामदास टुडू ने दिया। उनके एक महान पुस्तक के बारे में मैं बता रहा हूँ, जो सबसे उल्लेखनीय सबसे पहला प्रारंभिक पुस्तकों में से एक था। सन 1894 ईस्वी में उन्होंने अपने साहित्य और धर्म और परंपरा पे आधारित एक पुस्तक की रचना की, जिनका नाम था, पुस्तक का नाम था खेरवाल बोंगसो धर्म पुंथी। यानी इस पुस्तक के नाम से ही पता चलता है कि अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपना अध्यात्म, संथाल साहित्य के अध्यात्म, संथाल कल्चर, संथाल रीति रिवाज से जुड़े हुए इस पुस्तक में सभी लेख, सभी जितने भी गुप्त बातें होती है, उन सब को इन्होंने अपने पुस्तक में प्रकाशित किया। 1894 ईस्वी में खेरवाल बोंगसो धर्मपुंथी नाम का पुस्तक इनका प्रकाशित होता है, जिसके लिए इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी से डिलिट की सम्मान से उपाधि से सम्मानित किया जाता है कलकत्ता यूनिवर्सिटी के द्वारा। एक संथाल साहित्य, एक संथाल लेखक, एक संथाल शिक्षक माझी रामदास टुडू, जो कि एक संथाल शिक्षक, एक एजुकेटर या फिर कह सकते हैं एक लिटरेचर, एक लेखक, महान लेखकों में से एक थे माझी रामदास टुडू रेस्का। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के कर्मों को हम क्या आगे बढ़ा सकते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को आप एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और जन जन तक ऐसे महान व्यक्तित्व की धारणा को, परंपरा और अपनी रीति रिवाज और धर्म की प्रचार में सबसे बड़ा योगदान आपका भी होना चाहिए। आज के इस वीडियो को मैं थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए आपसे थोड़ा सा निवेदन करूंगा कि अगर आप संथाल समाज का विकास करना चाहते हैं, अगर आप खुद का विकास करना चाहते हैं या अगर आप अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए सबसे पहला जो विकास करना होगा वो आपको खुद का विकास करना होगा। अगर आप खुद आगे बढ़ेंगे, खुद डेवलप होंगे, खुद कुछ नया सीखेंगे, खुद कुछ बड़ा कर पाएंगे, तो इसके वजह से आपके परिवार का विकास हो पाएगा, हर एक व्यक्तित्व का विकास होगा, यही हमारा मकसद है। तो आप आगे आइए, जो आपको अच्छा लगता है वो करिए, पैसे से पैसा कमाना सीखिए। आज मैं आपको एक ऐसा बोनस टिप्स भी बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आप अपने आप को योग्य बना सकते हैं, आप पैसे से पैसा कमाना सीख सकते हैं बिना किसी मेहनत का। रात में सोते वक्त अगर आप पैसा कमा रहे हैं, समझ जाओ आप सही रास्ते पे जा रहे हो। आप नींद में हो और आपके पास पैसा आ रहा, समझ जाओ आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो कुछ ऐसा क्या किया जाए जिसके जरिए सोते सोते ही पैसा कमाया जाए? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाए। आप अपने धर्म और संस्कृति में काम तो करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको खुद का विकास करना होगा, अपना विकास करना, यही सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप खुद का विकास करने में आगे हैं, तो आप पूरे जीवन का, पूरे संसार का, पूरे दुनिया का नहीं, अपने पूरे परिवार का और हर किसी का विकास कर सकते हैं। लेकिन खुद पहले उस लाइक
बनना होगा। तो आपको पैसे से पैसा कमाना सीखना होगा। क्या वो तरीका जिससे पैसे से पैसा कमा सके? आपके पास कुछ भी रुपए है, क्या ऐसा तरीका है जिसके जरिए आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं? अगर आप इस टॉपिक में वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसी टॉपिक में बनाऊंगा कि पैसे से पैसा एक संथाल भाई बंधु कैसे कमा सकते हैं, क्या वो आसान तरीका है जिससे आप 1,000 रुपया लगा करके 10,000 रुपये बना सकते हैं, 10,000 लगा करके 20,000 बना सकते हैं। ये कोई चिट फंड नहीं है बाबू राव वाला, क्या पैसा डबल होगा, वो नहीं। सही तरीका, सही इस्तेमाल करके आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये देना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ भी ऐसा आइडिया है तो जरूर बताएं। मैं कोई स्पॉन्सर वीडियो या किसी ऐप का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पैसे से पैसा कमाना सीखना होगा, तभी आप खुद को आगे बढ़ा पाओगे। आज की इस दुनिया में सबसे ज्यादा जरूरी अगर वो कुछ है तो वो है हमारा स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और उसके बाद जो जरूरी है वो है पैसा। बिना पैसा का आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह सकता, बिना पैसा का आपका विकास संभव नहीं है। पैसा सबसे ज्यादा जरूरी है। मदद का उम्मीद आप किसी से ना करो। अगर आप खुद की मदद नहीं कर सकते तो आपकी मदद कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहला मदद आपको सीखना होगा खुद की करना। खुद की मदद करिए तो आप किसी और की मदद कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा, लेकिन आपको अपनी सहायता खुद गिरनी होगी। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पे होगी कि पैसे से पैसा कैसे कमाएं। इसके लिए आप हमारे चैनल में बने रहे, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आप एक इंजन चैनल ने नवा किया पे हैंड कौन सब्सक्राइब और बेल आइकन ऑन को भी दबा लें, ताकि आपको हमारा अगला वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। सनम को अब मैं अलविदा चाहूंगा, फिर मिलूंगा एक स्पेशल वीडियो के साथ। आप सभी से अलविदा चाहता हूँ। सनम को जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय हो।